साल 1996 की रोमांटिक एक्शन फिल्म घातक सनी देओल और मीनाक्षी शेषाद्री की सुपरहिट फिल्म थी, जिसमें इन दोनों की केमिस्ट्री और जोड़ी को दर्शकों ने बहुत पसंद किया था। साथ ही इन दोनों ने भी अपने किरदारों को बड़ी खूबसूरती से पर्दे पर पेश करके इस फिल्म को हिट बनाया था। लेकिन दोस्तों, आज इस फिल्म को रिलीज हुए पूरे 27 साल बीत गए हैं और बीते इन 27 सालों में इस फिल्म में नजर आए सनी देओल और मीनाक्षी शेषाद्री भी काफी बदल गए हैं। जो आज कहां हैं और कैसे जिंदगी बिता रहे हैं कोई नहीं जानता, पर आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको इन दोनों से रूबरू कराकर इन सब सवालों का जवाब देने वाले हैं। मगर उससे पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म में काशीनाथ का किरदार निभाने वाले अभिनेता सनी देओल की। तो इनका जन्म 19 अक्टूबर 1997 को सहनेवाल पंजाब में हुआ था, जहां से इनकी शिक्षा पूरी हुई। वहीं अगर बात की जाए एक्टिंग करियर की, तो इन्होंने साल 1983 की फिल्म बेताब से अपने करियर की शुरुआत की थी, जिसके लिए इन्हें अवार्ड तक मिला था। और इस फिल्म के बाद इन्हें एक्टिंग और स्टाइल की वजह से काफी पसंद किया जाने लगा। इससे तो जल्द ही इन्हें साल 1985 की फिल्म अर्जुन मिली, जिसमें इन्होंने बेरोजगार नौजवान का किरदार काफी खूबसूरती से पर्दे पर उतारा और दर्शकों के दिल में अपने लिए खास जगह बना ली, जिसके बाद तो इनके आगे फिल्मों की लाइन ही लग गई। जी हाँ, ये हमें डकैत, यतीम और चालबाज जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में नजर आए। इतना ही नहीं, कई हिट फिल्में देने के बाद इन्होंने कई यादगार फिल्में भी दी, जैसे कि घायल, घातक और गदर, जिनमें इन्हें सबसे ज्यादा पसंद किया गया। पर अगर बात की जाए 27 सालों में इनके अंदर आए बदलावों की, तो आपको बता दें कि फिल्म में जहां ये कभी शर्टलेस तो कभी नॉर्मल पैंट शर्ट पहने, क्लीन शेव लुक में काफी हैंडसम और यंग दिखाई दिए थे, वहीं आज ये 65 साल के हो गए और नॉर्मल पैंट शर्ट से लेकर कुर्ता पहने हुए दाढ़ी मूंछ में काफी स्मार्ट और गुड लुकिंग नजर आते हैं। मगर इनके चेहरे पर झुर्रियां साफ दिखाई देने लगी हैं, जो कि इनकी उम्र का तकाजा है। इसी के साथ बता दें कि गदर 2 के साथ इन्होंने अपने एक्टिंग करियर को बरकरार रखा हुआ है और अपनी फैमिली के साथ मुंबई में रह रहे हैं। अब बात करते हैं फिल्म में गौरी का खूबसूरत किरदार निभाने वाली गॉर्जियस अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्री की। तो इनका जन्म 16 नवंबर 1963 को सिंदरी झारखंड में हुआ था, जहां से इन्होंने अपनी सारी शिक्षा प्राप्त की। पर अगर बात करें इनके अभिनय करियर की, तो इन्होंने 1983 की फिल्म पेंटर बाबू से अपने करियर की शुरुआत की, पर यह फिल्म सुपर फ्लॉप साबित हुई। और इस फिल्म के बाद भी इन्होंने कुछ फॉलोअप फिल्में में काम किया, मगर इन्हें सफलता मिली 1985 की फिल्म मेरी जंग से, जिसमें ये अनिल कपूर के अपोजिट नजर आई थी। और ये फिल्म उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी, जिसमें ये रातों रात सुपरस्टार बन गई और इनके आगे फिल्मों की लाइन लग गई, जिसके चलते ये हमें शहनशाह, घायल, घर हो तो ऐसा, दामिनी और घातक जैसी सुपरहिट फिल्मों में नजर आए, जिनमें काम करके इन्होंने दर्शकों को अपने डांस और खूबसूरती का दीवाना बना दिया। पर अगर बात की जाए 27 सालों में आए चेंजेस की, तो जहां फिल्म में ही हमें सूट सलवार पहने, कर्ली खुले बालों में खूबसूरत मेकअप के साथ काफी ब्यूटीफुल और यंग दिखाई, तो वहीं आज ये 59 साल की हो गई हैं, जो कि हर तरह की वेस्टर्न आउटफिट और साड़ी पहने हुए खुले बालों और मेकअप में काफी बुढ़ी दिखाई देती है। इसी के साथ बता दें कि इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया है और अपनी फैमिली के साथ विदेश में रह रही है। तो दोस्तों, आपको इस खूबसूरत जोड़ी से वापस मिलकर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।